तो ये है माता हर सिद्धि मंदिर। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दीप प्रज्वलित हुई है क्योंकि आरती के समय प्रज्वलित की जाती है। बहुत लंबा मीनार है, उसमें सारे दीयों को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मनमोहक है। और बगल में है गणेश जी गणपति बप्पा, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी था तो उसके उपलक्ष्य में गणपति भी यहाँ पर रखाए हुए हैं, कभी विसर्जन हुआ नहीं है तो उनकी भी धूम है। चलिए कोशिश करता हूँ मैं अंदर जा कर के दिखाने के लिए। कलश को कितना खूबसूरत सजाया गया है, आ गए हैं अभी माता हरसिद्धि मंदिर में जो कि उज्जैन में स्थित है महाकाल मंदिर के थोड़ा सा पहले। चलिए देखते हैं, ये दीप प्रज्वलित की जाती है आरती के समय ऊपर से लेकर के नीचे तक, और सामने मंदिर है माता हरसिद्धि माँ का। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत। तो सामने माता रानी विराजमान है, और ये है बगल में जो मीनार है, इस पर पूरे ऊपर तक दीप प्रज्वलित की गई है। दोनों मीनार पे रोज शाम में आरती होती है, और आरती के समय ये पूरे मीनार के जितने भी दीप हैं सबको प्रज्वलित किया जाता है। तो ये है उज्जैन का हरसिद्धि माँ मंदिर। तो जब भी आप उज्जैन आइए तो हरसिद्धि माँ के दर्शन जरूर कीजिए, और शाम का आरती यहाँ का जरूर ही अटेंड कीजिए, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। अगर आप जूता चप्पल उतार सकते हैं, माँ हरसिद्धि मंदिर के दर्शन के लिए आरती हो रही है। आरती के समय ही ये दोनों मीनारों पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ऊपर चढ़ करके और एक एक करके सारे दीपों को जलाया जाता है। ये देखने में काफ़ी मनमोहक लग रहा है, आप आइएगा तो आपको काफ़ी शांति महसूस होगी, मन की शांति। जय माता रानी।